नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आपने देखना शुरू कर दिया है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की चार बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में समझाएंगे। पहली खबर है सरकार गिराने की साजिश वाली पूरी कहानी आपको समझाएंगे। दूसरी खबर होगी पलायन पर पॉलिटिक्स को आपको समझाएंगे। बिहार में टोटी और चारे वाली सियासत के मायने भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही गिरिराज सिंह यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं इस खबर को भी विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईओयू की जांच में। इस बात का खुलासा हुआ है कि एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। अब इस मुद्दे पर बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। जेडीयू ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये साजिश रची वो जेल जाएंगे, तो दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या हुआ था ये पूरे देश ने देखा है। नीतीश सरकार को गिराने की साजिश हुई थी, अब यह सिर्फ एक सवाल नहीं रहा बल्कि सच बनकर खुलासे के रूप में सामने आ रहा है। ईओयू की जांच में खुलासा हुआ है कि एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी, जिसकी जांच में आर्थिक अपराध इकाई के साथ ही ईडी की टीम जुटी है। सवाल है कि अगर नीतीश सरकार को गिराने की साजिश हुई थी तो इस साजिश में कौन कौन लोग थे। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे खेल की साजिश आरजेडी और जेडीयू के कुछ विधायकों ने मिलकर रची थी और इसे अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव को मिला था। मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर संजीव कुमार फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने विधायकों को लेकर आरजेडी खेमे में चले जाते। उनके साथ जाने वाले विधायकों को मंत्री पद के साथ 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर था। पुख्ता सबूत के साथ ईओयू ने ईडी को रिपोर्ट भेज दी है। ये जानकारी जो ईओयू ने अनुसंधान किया तो अनुसंधान में मनी ट्रेड का भी बात मिला है, सबूत मिले हैं। ईओयू की जांच में इस खुलासे ने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग भी इस साजिश में शामिल हैं उनके चेहरे जल्द बेनकाब होंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बेनकाब भी होंगे और गर्दन बहुत नेताओं तक पहुंचेगी। सरकार गिराने की साजिश के आरोप पर आरजेडी की ओर से पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया। शक्ति यादव ने कहा कि साजिश सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी जिसकी तस्वीर पूरे बिहार और देश ने देखी। किसी को छिपा हुआ है, राजद के विधायकों को तोड़ करके ले गया, हॉर्स ट्रेडिंग कर दूसरे पे लगा रहे हैं। 28 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ वापस चले गए। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट था। तेजस्वी यादव बार बार खेला होने की बात कह रहे थे। आरोप है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को फेल करने की साजिश रची गई थी, लेकिन एनडीए नेताओं को पहले से इसकी भनक लग गई और नीतीश कुमार ने साजिश को फेल करते हुए बाजी ही पलट दी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ईओयू की जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश सरकार को फेल करने की साजिश रची गई थी। अब इस पूरी साजिश को समझने के लिए करीब 9 महीने पहले बिहार की राजनीति को समझना होगा। तारीख थी 28 जनवरी 2024। नीतीश कुमार आरजेडी या कहें कि महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ चले गए और एक झटके में बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई और बिहार में नई एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन गई। सरकार बदल गई तो बहुमत साबित करने की तारीख 12 फरवरी तय की गई थी। मतलब ये कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार को अपनी सरकार का बहुमत साबित करना था। अब उस समय नीतीश कुमार के साथ 130 विधायकों का समर्थन था। बीजेपी के 78 विधायक थे, जेडीयू के 43 थे, हम के 4 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी नीतीश कुमार को हासिल था। चूंकि बिहार विधानसभा 243 विधायकों वाली है, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा यहां 122 हो जाता है। मतलब ये कि नीतीश कुमार को अपना बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायकों की जरूरत थी। मतलब ये हुआ कि बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत थी और नीतीश कुमार को उस वक्त 130 विधायकों का समर्थन पहले से हासिल था। नीतीश कुमार के पास बहुमत से 8 विधायक ज्यादा ही थे, लेकिन आरोप है कि इसी बीच सरकार को गिराने की प्लानिंग रची गई थी। क्या प्लान था, आइए अब आपको वो भी समझाते हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। साजिश में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का दिन चुना गया था।
नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करने से रोकना था, जो विपक्ष की पूरी प्लानिंग थी। जांच में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रुपयों के लेन देन के सबूत भी मिले। विधायकों को मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, मतलब अगर विधायक पाला बदलते हैं तो उन्हें 10 करोड़ रुपया मिलेगा और मंत्री का पद भी मिलेगा। बाकी रुपए हवाला के जरिए उन्हें दिए जाने थे। विधायकों को रुपए दूसरे राज्यों के लोगों के माध्यम से पहुंचाए जाने चाहिए थे। एनडीए के 6 से ज्यादा विधायकों पर महागठबंधन या कर सकते हैं विपक्षी नजर थी। आरोप है कि इन्हें तोड़ने की कोशिश हुई और ये विधायक हैं जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार। तब जेडीयू के विधायक रही बीमा भारती, जो अब आरजेडी में हैं, जेडीयू के ही दिलीप राय और बीजेपी के मिश्री लाल यादव के साथ ही बीजेपी की भागीरथी देवी और बीजेपी की ही रश्मि वर्मा भी इसमें शामिल है। ईओयू की जांच में आरजेडी से जुड़े इंजीनियर सुनील यादव और जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव को साजिश का अहम किरदार बताया गया है और आरोप है कि डॉक्टर संजीव के जरिए ही विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार को समय रहते साजिश की जानकारी मिल गई और नीतीश कुमार ने साजिश के प्लान को ही फेल कर दिया और 129 विधायकों के समर्थन से बहुमत हासिल कर लिया, जबकि विपक्ष वॉकआउट कर गया था, जिसके समर्थन में महज 112 विधायक बच गए थे, क्योंकि आरजेडी के 3 विधायकों ने भी सरकार का ही समर्थन कर दिया था। अब समझिए साजिश के साबित होने पर आगे क्या होगा। तो जेडीयू विधायक ने केस दर्ज कराया था। अब ईओयू के बाद ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोप साबित हुए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आरोपियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार में अभी सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पलायन का मुद्दा उठाते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा। जेडीयू बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए खुद आरजेडी नेता को ही पलायनवादी करार दिया है और कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन जंगल राज की सरकार में हुआ। लोग जंगल राज में अपनी जान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बिहार से बाहर चले गए। बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में जाना, नौकरी और रोजगार के जरिए परिवार को पालना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पलायन एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष बिहार से लगभग 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। ये वो आंकड़े हैं तो श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं। एक अनुमान के अनुसार बिहार से लगभग 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष अस्थायी नौकरी रोजगार के लिए पलायन करते हैं। बिहार से पलायन पर तेजस्वी यादव के पोस्ट ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन जंगल राज की सरकार में हुआ था। लोग जंगल राज में अपनी जान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाहर गए। आज निश्चित रूप से पलायन पहले से काफी कम है और आज जो यहाँ से पलायन नहीं हो रहा है, आज इस बिहार के युवा इतने हुनरमंद भी हो गए हैं जो बिहार में भी रोजगार खोज कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और बाहर भी जाकर रोजगार प्राप्त। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल है। चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन नेताओं ने मुद्दों के जरिए निशाना साधना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव की कोशिश पलायन पर नीतीश सरकार को घेरने की है। दूसरी ओर एनडीए के नेता तेजस्वी यादव को 2005 से पहले का आईना दिखा रहे हैं। पलायन पर पॉलिटिक्स कहां तक जाती है ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए बिहार में पलायन कोई एक दिन की समस्या नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2001 से लेकर 2011 तक 93 लाख लोग बिहार से पलायन किए हैं। 2012 में नीतीश कुमार की तरफ से दावा किया गया कि 2008 से 2012 के बीच में पलायन में कमी आई, जो कि 20% रही है। मतलब ये कि 20% पलायन में कमी देखने को मिली है। बिहार में पलायन की वजह को भी अब आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी वजह है रोजगार का कम होना। मतलब ये कि बिहार में बिहारियों को रोजगार कम मिलता है, कम अवसर मिलते हैं, इसलिए पलायन किया जाता है। उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित है तो ऐसे में भी लोग पलायन करते हैं। सीमांचल और कोसी के इलाके से सबसे ज्यादा पलायन देखने को मिलता है।
ज्यादा पलायन सालों भर रोजगार का नहीं मिलना इसकी वजह से होता है। दूसरे राज्यों में इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई बेहतर होती है, इस वजह से भी युवा बिहार से बाहर पलायन करते हैं और वहां जाकर पढ़ाई करते हैं। अब पलायन की वजह भी जानिए। रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और व्यापार के लिए जो लोग हैं वो बिहार से पलायन करते हैं। रोजगार की अगर हम बात करें तो 55% लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। शिक्षा के लिए करीब 3-5% ऐसे लोग हैं जो पलायन करते हैं। व्यापार करने के लिए अगर हम बात करें तो 3% ऐसे लोग हैं जो व्यापार करने के लिए पलायन करते हैं। हालांकि ये पलायन की वजह जरूर रही है, लेकिन हमेशा बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे को उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब इस यात्रा को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वजह है 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली उनकी यात्रा, जिसे हिंदू स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया गया। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के ऐलान ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। किसने पक्ष और किसने विरोध में बयान दिया वो भी सुनाएंगे। पहले गिरिराज सिंह की यात्रा कहां से कहां तक है और किस लिए है वो जान लीजिए। गिरिराज सिंह की यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होगी। यात्रा का पहला चरण 18 से 22 अक्टूबर तक है। पहले चरण में भागलपुर से किशनगंज तक यात्रा करेंगे। गिरिराज सिंह का कहना है कि उनकी यात्रा उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध करना है, हिंदू समाज को संगठित करना है और संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू के मकसद से है। गिरिराज सिंह जी का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध और हिंदू समाज को संगठित करना है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर राजनीतिक माहौल गर्म है। आरजेडी ने गिरिराज सिंह पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ये आपकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये नरसंहार की यात्रा है। जैसे उत्तर प्रदेश लाल हो गया था खून से, वो काम आप बिहार में करने की गलती ना करें। वहीं जेडीयू का कहना है कि सबको यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन उनके नेता संविधान यात्रा निकालने पर भरोसा करते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं, हम लोग तो संविधान यात्रा में विश्वास करते हैं। गिरिराज सिंह बीजेपी सांसद होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू हितों की बात करते हैं। एक बार फिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान करके उन्होंने बिहार में सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और नितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के मायने को समझिए। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। गिरिराज सिंह अक्सर हिंदू हितों की बात भी करते हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए और हिंदू बटेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी। मतलब ये कि हिंदू अगर जातियों में बढ़ जाते हैं, एकजुट नहीं होते हैं, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद है कि हिंदू समाज को संगठित करना है। हालांकि विपक्ष के नेता गिरिराज सिंह पर यात्रा के जरिए माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह चूंकि हमेशा से हिंदू हितों की बात करते रहे हैं और ऐसे में वो इस यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 18 से 22 अक्टूबर तक चलेगी और इस दरमियान वो हिंदू समाज के लोगों को संगठित होने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें समझाएंगे। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल बिहार में सियासत जारी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। पटना के आयकर गुलंबर सहित राजधानी के कई इलाकों में सड़क पर पोस्टर दिख रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर निशाना साधा गया है। पोस्टर आरजेडी और बीजेपी में बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार की सियासत में पोस्टर काफी मायने रखता है, खासकर अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए। पटना के आयकर गोलंबर सहित कई इलाके में सड़क पर पोस्टर दिख रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर निशाना साधा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना का ये आयकर गोलंबर है और इसके चारों ओर जो है ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें टोटी चोर और चारा चोर बताया जा रहा है। ये पोस्टर किसने लगाया ये अब तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन इस पोस्टर ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है
और आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और भवन निर्माण विभाग क्यों चुप है? ये बीजेपी का बंगला है कि सरकार का? भवन निर्माण विभाग का है। भवन निर्माण विभाग बताए कि क्या उसमें था और क्या गायब हुआ। की जनता के द्वारा लगाए गए ये पोस्टर ये दर्शा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से चारा चुराया था उसको दर्शा रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से सरकारी आवास को खाली करते समय सरकारी संपत्ति नल टोटी एयर कंडीशन बेड को चुराने का काम किया उसको दर्शा रहा है। आप पोस्टर के पीछे की पूरी कहानी समझ लीजिए। दरअसल ये विवाद 5 देशरथ मार्ग बंगले को लेकर है जिसे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अलॉट किया गया था, लेकिन अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं तो तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना पड़ा। बंगला खाली होने के बाद सम्राट चौधरी के एक सहयोगी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव बंगला खाली करते समय सरकारी आवास से सोफा और एसी जैसी चीजें उठाकर ले गए। बीजेपी के आरोप पर आरजेडी हमलावर है और भवन निर्माण विभाग से सच बताने की मांग कर रही है। इसी बीच किसी ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और भारत के अनमोल रत्न और देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। दिग्गज उद्योगपति के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर। भारत के अनमोल रत्न और देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रह गई बस उनकी यादें, उनके दान, उनके योगदान और वो काम जिसने रतन टाटा को लाखों करोड़ों में सबसे अलग पहचान दी। झारखंड में किए गए उनके काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजकीय शोक के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। रतन टाटा के निधन के बाद जमशेदपुर में बिष्टुपुर का टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय भी सुनसान पड़ा है, जहां रतन टाटा बतौर चेयरमैन 26 बार पहुंचे थे। पिछली बार स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। वो इतने सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने कंपनी के हर छोटे बड़े कर्मचारी से मिलकर उनका हालचाल लेते थे। कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने अपने कर्मचारियों से वादा किया था ना तो किसी की नौकरी जाएगी और ना ही किसी की सैलरी कटेगी। जो कोई सेवा करते थे तो एक हाथ से देते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चल जाता, इसलिए जगत उद्योग के लिए और भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका व्यवहार भी एकदम स्वभाव एकदम सिंपल था उनका जी। सबसे अच्छा से बात करते थे, किसी के लिए भी नहीं बड़ा हो छोटा हो या उनसे भी बड़ा हो उनसे कोई भी ऐसा बात नहीं कर रहे कि किसी को खराब लगे। रतन टाटा एक हाथ से किसी को दान देते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देते थे। वो बेमिसाल थे, इतने बेजोड़ थे कि दुनिया में उनका कोई जोड़ नहीं था। आज पूरे देश में शोक की लहर है। धनबाद के सरायढेला स्थित टाटा मोटर्स फाइनेंस के मुख्यालय में भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। टाटा के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रतन टाटा के अतुलनीय काम को याद किया। सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है। नेता मंत्री सभी रतन टाटा को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि रतन टाटा जी एक ऐसे शालीन व्यक्ति थे जो एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। एक सरल सहज और बड़े नर्म मिजाज के वो व्यक्ति थे और मैं समझता हूं कि उनकी कीर्ति आज भी अजर और अमर है। रतन टाटा जी का जो योगदान है झारखंड को विकसित बनाने में, आगे ले जाने में, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम पड़ेगी, उनके लिए शब्द नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अगर अभी तक आपने न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए।